बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑनरेबल एम्बेसडर्स, हमारे पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर्स आतिफ खान और यासर टूरिज्म मिनिस्टर्स फ्रॉम केपी एंड पंजाब, मैं आज ख़ास तौर पे आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस और शहरयार आपको मुबारक देता हूँ कि ये एक अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा चेंज है। आज कई दफ़ा जब चेंज शुरू होता है, वो कहते हैं ना, चाइनीज प्रोवर्ब है कि टू टेक अ 1000 माइल जर्नी यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला कदम है पाकिस्तान को एक जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं कि इसको मुल्क को खोलने के लिए लोगों के लिए। मैं हमेशा समझता था कि हम तकरीबन पाकिस्तान में एक माइंडसेट था कि किसी तरह मुश्किल से मुश्किल बना दो किसी का वीजा देना का पाकिस्तान, यानी वो ना ही आए तो अच्छा है। और यही माइंडसेट था जिसकी वजह से जो हमारी 60s में, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कम लोग बैठे जिन्होंने 60s में जो बड़े हो रहे थे हमारी तरह जब हम पढ़ रहे थे, शाहजी और मैं, लेकिन शाहजी मेरे से छोटे हैं, हम एचएसएन में जब पढ़ते थे 60s में, हाँ, परवेज खटक मेरे से सीनियर थे, हेड बॉय, फुल कॉलेज ब्लेजर थे एचएसएन के। इस 60s के अंदर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। आप यकीन करें कि एक मुल्क के अंदर एक सेल्फ बिलीफ थी कि हम सबसे तेजी से जा रहे हैं ऊपर, और दुनिया भी हमें ऐसे देखती थी, यानी दुनिया पाकिस्तान को, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट गए अमेरिका में, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर लेने आया पाकिस्तान प्रेसिडेंट को। तो एक बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस था हमारे हमारे अंदर अपने आप में। लेकिन हुआ क्या कि 70s के अंदर एक चेंज आई और एक गवर्नमेंट आई जिसका एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, और उसने जो वो रिवर्स किया प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या रिवर्स किया कि देखें, मुल्क में जब तक दौलत नहीं बनती मुल्क आगे नहीं बढ़ता। अगर अगर किसी ने मुल्क में इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट तब करेगा जब पैसा बनेगा। अगर वो उसका पैसा ही नहीं बनेगा तो वो कोई खैरात के लिए तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो हमारा माइंडसेट चेंज हो गया जब 1970s के अंदर, कि हमने पैसा बनाने को एक गुनाह समझा। और मेरे साथ भी एक उन दिनों के एक पॉलिटिशियन शुरू में थे, तो मुझे याद है कि वो हर बारी अपनी तकरीर में सरमायाकार और जागीरदार को बुरा कह के शुरू करते थे तकरीर। तो ये जो माइंडसेट है, मैं ये कह रहा हूँ ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है चेंज, कि चेंज ग्राउंड पर बाद में आता है, पहले जेन में आता है। तो ये जो आज का चेंज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमने अपना माइंडसेट हमारा चेंज हुआ कि हमने वेल्थ क्रिएशन को गुना कर दिया, पैसा मेकिंग प्रॉफिट्स को बुरा कर दिया, प्रॉफिटियरिंग नहीं, कि यानी अगर आदमी एक पैसा बनाता है किसी प्रोजेक्ट से तो उसके खिलाफ एक किस्म का हसद हो गया कि ये जिस तरह कोई गलत काम कर रहा है, और वो बहुत बड़ा नुकसान उस माइंडसेट ने पाकिस्तान को दिया कि जो मुल्क सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। और 60s में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की कंबाइंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पाकिस्तान से कम थी 60s में। तो वही मुल्क फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बाकी लोग हमें पीछे छोड़ गए। तो वो ये बड़ा रिलेटेड है, ये जो वीजा रजीम है जो खोल रहे हैं पाकिस्तान को, एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में अब कि हमें कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, कि हम सारा वक्त एनओसी यहाँ सिराजुल मुल्क बैठे हुए हैं चित्राल से, इनसे पूछें कितना मुश्किल था फॉरेनर्स को इतनी खूबसूरत जगह चित्राल जाने के लिए, क्योंकि इनका बड़ा ज़बरदस्त होटल है, तो उसके लिए वहाँ जाने के लिए कितनी इनको प्रॉब्लम्स होती थी, एनओसीज लेना मुश्किल, लोग यानी ऑलमोस्ट के लोग ना जाए। तो ये जो माइंडसेट है जिस तरह हमने अब चेंज करना है कि इन्वेस्टर्स के लिए कि लोग आके पैसा बनाए पाकिस्तान में, उसी उससे रिलेटेड है कि पाकिस्तान का वीजा रजीम आसान, जो आज हमने ऑनलाइन वीजा
का ये जो जो जिसकी मैं मुबारक देता हूँ फिर से इंटीरियर मिनिस्ट्री को खास तौर पे, कि ये वही माइंडसेट है आपके, लोग आए, जब लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है। हम 60s के अंदर हमारे पास, हमारा एक अभी वो फौत हुए हैं हमारे जो टीचर होते थे मेजर लैंगलंस, वो हमें 60s में लेके जाते थे ट्रैक पे नॉर्दर्न एरियाज में। तो हम बड़े खुशकिस्मत थे क्योंकि हमने वो इलाके देखे, तब तो काराकोरम हाईवे भी नहीं था, तो हमें वो जो ट्रैक्स पे हमें जो वो जो जगह देखी, और उन दिनों में हुंजा देखा और दीर और ये गिलगित, और उन दिनों में बड़ी मुश्किल था वह ट्रैवलिंग, तो तब हमें वो मेजर लैंगलेट्स लेके जाते थे स्कूल के ट्रैक से। तो जब क्रिकेट से मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ लोगों को कहता था ये नॉर्दर्न एरियाज में जाओ, तो कोई पाकिस्तानी यहाँ लोग हमारे साथ नहीं जाते थे, तो इंग्लैंड से मेरे दोस्त आते थे। और मैं आज आपको बताऊं कि जब भी कोई भी मेरा इंग्लैंड से दोस्त आया नॉर्दर्न एरियाज में, वो 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 हमेशा मेरी मिन्नतें करते थे कि किसी तरह फिर से वापस ले जाओ। यानी जो भी उन एरियाज में गया है, जो हमारी हमारे नॉर्दर्न एरियाज, आप याद रखें कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज स्विट्जरलैंड का दुगना साइज है, और दुगना साइज ही नहीं है, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी पीक्स हैं। अभी भी कई एरियाज हैं जो कि जिसको कहते हैं ना कि एक अभी फोर्ब्स मैगजीन में आया था पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर, कि अभी भी अनडिस्कवर्ड एरियाज हैं, एरियाज है जिनका लोगों को अभी नहीं पता। तो जब ये जो अब हम लोगों को मौका देंगे आने का, और मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में हम बड़ी सिलेक्टिव टूरिज्म, यानी देख के ये जो बड़े बड़े पैकेज टूर्स हैं, ये हमारे ये कई दफा बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह भूटान में, ये हम अब इसके ऊपर पूरी हमारी टूरिज्म की टास्क फोर्स है, जो हम इकोलॉजिकल एनवायरमेंटली फ्रेंडली टूरिज्म जो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जो नई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि एक तरह ये भी है कि हम जब नए नए इलाके खोलेंगे तो उनके अंदर हम ये देखेंगे कि वो खराब ना हो और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो। तो वो एक बड़ी टास्क फोर्स है जिसमें हर किस्म के हमने पाकिस्तान में डिफरेंट शोबों से लोग रखे हुए हैं। लेकिन उससे जो बड़ी टूरिज्म है पाकिस्तान में वो है रिलीजियस टूरिज्म, और लोग रियलाइज नहीं करते इसका पोटेंशियल कितना है। पाकिस्तान में सेंटर्स हैं, चार रिलीजियस टूरिज्म के, यानी दुनिया में इतने इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं जो पाकिस्तान में है। बुद्धिज्म की सबसे सेक्रेट साइट्स है, और जो सारा एरिया जो टैक्सिला से शुरू होता है आगे, ये दुनिया, ये बुद्धिज्म का सेंटर था, और ये अभी तक दुनिया को हमने सेल नहीं किया। जो भी एक 40 फुट का स्लीपिंग बुद्धा जो हरिपुर के पास डिस्कवर हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लीपिंग बुद्धा है, तो ये दुनिया को नहीं पता इन चीज़ों का। उसके अलावा सिखिज्म का तो हमें पता है, करतारपुर और फिर ननकाना साहिब, लेकिन हिंदुइज्म की बहुत पुरानी साइट्स हैं, कटास राज है और बड़ी पुरानी साइट्स हैं। और उसके अलावा सूफीज़म, ये जो सारा इस्लाम इस खत्ते में फैला था, उसमें बड़े बड़े हमारे सूफी बुजुर्ग थे और उनकी उनके उर्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें अब हम मार्केट करेंगे। इसके अलावा जो हमारी बीच टूरिज्म है वो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अभी हम शुरू कर रहे हैं, लोग आके इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट है उसके अंदर, बड़े पोटेंशियल है डेवलप करने का। और फिर जो एंशंट साइट्स हैं पाकिस्तान की, जो पेशावर है, लोग रियलाइज नहीं करते कि दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है पेशावर, जो उसका सेंटर है पेशावर का, वो 2500 साल पुराना है, और वो उसके ऊपर अभी एक जर्मन्स के साथ ही, इनकी जर्मन एम्बेसडर पता नहीं है या नहीं, उनके साथ एक एरिया डेवलप किया है जिसके लिए टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं। और फिर मोहनजोदारो है, फिर लाहौर है, ये पुराने मुल्तान पुराने शहर हैं। तो ये हम अब इसको पूरी तरह इन सारी टूरिस्ट इनको मैप पे लेके आएंगे, पूरी इनकी वेबसाइट बनेगी ताकि लोग दुनिया से बाहर से बुक कर सकते हैं जगह, और इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहे हैं, लोगों को भी मौके दे रहे हैं कि लोग उनको लोन्स देंगे, कि लोग नॉर्दर्न एरियाज में अगर हमारे पास रहने के लिए जगह, तो उनके लिए एक्स्ट्रा रूम के लिए उनको सस्ते कर्जे देंगे ताकि वो
अपने घर के साथ एक एक्स्ट्रा रूम बनाए ताकि टूरिस्ट ठहर सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था 19 अरब डॉलर जब हमारी गवर्नमेंट आई है। तो आप ये समझें, अब ये सर मैं आपको प्रोस्पेक्टिव देना चाहता हूँ कि 19 अरब डॉलर पाकिस्तान का टोटल डेफिसिट था और जिसके लिए हमें बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। आप ये सोचें कि मलेशिया की 22 अरब डॉलर की टूरिज्म है और सिर्फ मलेशिया की बीच रिजॉर्ट्स हैं, बीच रिजॉर्ट्स की टूरिज्म असल उनको पैसा लेके आती है जो पाकिस्तान में तकरीबन 800 किलोमीटर की बीच है, कोस्ट लाइन है। तुर्की की 40 अरब डॉलर की टूरिज्म है और उनकी हिस्टोरिकल टूरिज्म भी है और उनकी मेडिट्रेनियन के साथ साथ बीच टूरिज्म भी है। तो पाकिस्तान के पास 4 मुख्तलिफ चीज़ें ऑफर करने के लिए। और जो स्कीइंग है पाकिस्तान में, लोगों को आइडिया नहीं है कि दुनिया में ऐसी स्कीइंग नहीं है जो पाकिस्तान में जिस तरह की स्कीइंग स्लोप्स है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो ग्रेडियंट है सबसे K2 से लेकर समुद्र तक वो सबसे स्टीप है। उसका मतलब सारे रास्ते में मुख्तलिफ मौसम भी हैं और हमारे स्कीइंग के लिए भी बड़ी रिजॉर्ट्स है। तो ये जो आज हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमने किया है, ये बिगिनिंग है। इसके बाद हमारे पूरी इसके साथ रिलेटेड पूरी स्ट्रेटजी बन रही है कि हमने टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है पाकिस्तान में। बाहर से हमारी जो मिशंस हैं बाहर, अब तक उनका बड़ा लिमिटेड रोल रहा है, अब हम उनको इंसिस्ट करेंगे। शाहजी और तहमीना इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं कि वहाँ के जो हमारी जो बाहर की एम्बसीज हैं उनको हम बाकायदा रोल देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी और टूरिज्म प्रमोशन के लिए और उसके सबसे ज़्यादा जो हमारे ओवरसीज हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सर्विस करने के लिए। तो मैं फिर से मुबारक देता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। और ये अच्छा, ये लोग इसके ऊपर ये जो दहशतगर्दी है इसका एक बहुत बड़ा, ठीक है पाकिस्तान एक बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरा है, लेकिन जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पूरा क्रेडिट देते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ख़ास तौर पे, जिस तरह इन्होंने इसका मुकाबला किया है, लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है। मैं उम्मीद ये रख रहा हूँ, और उम्मीद नहीं रख रहा, हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान सारा वो पाकिस्तान में होगा बजाय कि वो दुबई में हो। वहाँ खाली स्टेडियम्स में, मैं तो क्रिकेटर, मुझे तो पता है कितना बोरिंग होता था खाली स्टेडियम्स में खेलना। तो पाकिस्तान के अंदर PSL सारे स्टेडियम्स, अपनी टीमें अपने शहरों के अंदर वो ज़्यादा हो गया। तो आज जिधर हम खड़े हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पर निकल चुका है, एक अमन के रास्ते पर निकल चुका है। हमारा थोड़ा सा शायद मसला हो हिंदुस्तान के इलेक्शंस तक, क्योंकि जब आप इलेक्शन जीतने में नफरतों फैला के इलेक्शन जीतते हैं तो उसके अंदर फिर ये फ़ायदा उठाते हैं ये जो हुआ है कश्मीर में। लेकिन इंशाल्लाह हमारी सारे नेबर से और इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, जब इनके इलेक्शंस हो जाएंगे हमारे सारे नेबर से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे और एक पुरमन पाकिस्तान ही इंशाल्लाह खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तान ऑनलाइन वीज़ा इजरा की तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, नए पाकिस्तान की तरफ ये पहला कदम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोलने के लिए ये अहम कदम है, सियाहत को फ़रोग देने के लिए इकदाम का जिक्र किया और साथ ही साथ इस उम्मीद